हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स संगीता। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे गार्डन में कुछ ऐसे पौधे हैं कि जिनको हम कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं अभी के टाइम में। आज मैं बताऊंगी कुछ पौधे के बारे में जिसकी कटिंग आसानी से इस मौसम में लगाया जा सकता है, उसको कटिंग करके या जड़ से अलग करके किसी भी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और ऐसे तो ये कभी भी किसी मौसम में लग जाएगा, बट अभी ये बारिश का मौसम सबसे अच्छा होता है किसी भी पौधों को कटिंग से या जड़ को अलग करके लगाना। ये हमारा पहला पौधा है, एग्लोनिमा का पौधा, जो बहुत ही आसानी से इसको हम थोड़ा सा छोटा सा कट करके या जड़ से अलग करके आसानी से, या इसके इस तरह से डंठल को तोड़ के आसानी से हम पानी में या मिट्टी में कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है, बहुत ही अच्छा ये इंडोर प्लांट है। दूसरा पौधा है जिसके बारे में मैं बताऊंगी, प्लांट, इसको भी हम कटिंग से आसानी से इसके डंठल को तोड़ के लगा सकते हैं। कहीं से भी इसके एक छोटे से डंठल को तोड़ के हम आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से इसके डंठल को हम तोड़ के लगा सकते हैं। पानी में भी ये लगेगा और मिट्टी में भी लग सकता है। और ये बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है, इसमें हम ये काफी फैल जाता है, इसको हम ऊपर भी ऐसे करके किसी चीज के सहारे हम इसको चढ़ा सकते हैं, या इसको हम बांध देंगे किसी ये यहाँ पे स्टिक लगा के, तो ऊपर बहुत सुंदर से ये चढ़ जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। हमारा तीसरा पौधा है वेरीगेटेड मनी प्लांट, जो बहुत ही खूबसूरत है, और इसको भी हम आसानी से इसको ऐसे कट करके कहीं भी पॉट में या पानी में कहीं भी इस तरह से हम इसको लगा देंगे तो आसानी से ये लग जाएगा और ये बहुत ही अच्छा लगता है। चौथा पौधा है जिसको हम प्रेयर प्लांट कहते हैं या ट्राई कलर प्लांट बोलते हैं, इसको भी हम जड़ से अलग करके आसानी से लगा सकते हैं। इसको हमने अभी इसके पिछले वीडियो में हमने इसको अलग करके, जड़ से अलग करके देखिए नया पौधा बनाया है, और ये पौधा बहुत ही अच्छे से लग गया है। ये 4-5 दिन पहले हमने उसको लगाया है इसके जड़ से अलग करके, और बहुत अच्छे से वो लग गया है। ये हमारा पांचवा पौधा है, वेरीगेटेड चांदनी, देखिए इसका लीफ भी बहुत सुंदर लगता है। इसको भी हम अभी कटिंग से, बारिश के मौसम में कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। ये हमारा नंबर 6 पौधा है जिसको हम स्पाइडर ग्रास कहते हैं, ये भी बहुत आसानी से इसके हम जड़ को अलग करके लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से। ये हमारा देखिए स्पाइडर ग्रास का पौधा, इसको हमने कितने सुंदर तरीके से जड़ को अलग करके एक पौधे से हमने ये सारा, मेरे पास एक खाली जगह था उसमें लगाया हुआ है। ये हमारा युक्का का पौधा है, इसको भी हम कटिंग से करके देखिए कितना लगाए हैं, ये सारा मेरा कटिंग से मतलब तोड़ के, बस इसके डंठल को तोड़ के लगाए हैं। ये हमारा 7वां पौधा है। ये हमारा 8वां पौधा है जिसको हम ड्रेसिना कहते हैं, इसको भी हम कटिंग से बिल्कुल आसानी से अभी लगा सकते हैं, ये कभी भी लग जाएगा लेकिन बारिश का मौसम सबसे अच्छा होता है। 9वां नंबर पौधा है, ये भी युक्का का ही पौधा है लेकिन ये वेरीगेटेड युक्का है, वो ग्रीन था ये रेड और ग्रीन लिए है, इसको भी हम आसानी से अलग करके लगा सकते हैं। ये हमारा 10 नंबर पौधा है सेंसेवेरिया का, इसको भी हम अलग आसानी से इसको अलग करके लगा सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारा निकला हुआ है, इसके जड़ को अलग करेंगे और ये फिर हम इससे 3-4-5 प्लांट बना सकते हैं। इसमें इतना है कि इससे हम 4-5 प्लांट्स इसको अलग करके बना सकते हैं। ये हमारा 11 नंबर पौधा है, स्नेक प्लांट जिसको कहते हैं, जिसको देखिए हम कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। ये हमने पहले इसको लगाया था और देखिए इसमें हमारा आसानी से निकल गया है ये स्नेक प्लांट, ये कटिंग था, हम कहीं से ले आए थे और इसको लगाए थे और देखिए कितना सुंदर से इसमें ग्रोथ हो रहा है। ये हमारा 12 नंबर पौधा है जिसको ड्रेसिना कहते हैं, और देखिए इसको भी हम कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये हमारा 13 नंबर पौधा है, ये भी ड्रेसिना का ही है, ड्रेसिना फैमिली से, लेकिन इसकी वैरायटी, इसकी लीफ अलग है देखिए, और इसको भी हम कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। ये हमारा 14 नंबर पौधा है एग्लोनिमा, इसको भी हम आसानी से अलग करके यहाँ से
अलग करके आसानी से लगा सकते हैं। इसको भी हम बॉटल में या मिट्टी में कहीं भी लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये हमारा लास्ट 15 नंबर पौधा है क्रोटन का, इसको भी हम बहुत आसानी से कटिंग करके लगा सकते हैं, देखिए, और बहुत ही अच्छा लगता है। इससे हम एक पौधे से 10 पौधा आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।